सद्गुण अपने में मानने से आदमी अभिमानी बनता है और दुर्गुण अपने में मानने से गहरे हो जाते हैं। जितनी भोग की आसक्ता होती उतना बुद्धि में स्थूलता और जड़ता आ जाती। संसारी भोग की लालच वासनाओं को बढ़ाकर जीव को तुच्छ कर देती, लेकिन उस भोग की वासना को मिटाने के लिए ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्म सुख में तृप्त रहूंगा? ऐसे दिन कब आएंगे कि सुख और दुख मेरे को स्वप्न लगेगा? ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरा चिदघन चैतन्य और बाहर व्यापक चैतन्य एकाकार है, मुझे उस भगवत सुख का, भगवत ज्ञान का प्रसाद भगवान की कृपा से मिलेगा? राजस्थान में एक हो गए केताजी महाराज, उनके पास शिष्य आए दीक्षा ले। अरे बोले, क्या दीक्षा ले, जरा रुको देखेंगे। शिष्य भी पक्का था। देखते 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 एक आध साल हो गया गाय चराते चराते। बोले महाराज दीक्षा दो। अरे बोले फिर देखेंगे। अरे कई गाय, एक में से दो चार गायों में से कई हो गई, जंगल में जाए और फिर कभी कभी गुरु के पास आए। ऐसे करते करते गुरुजी ने अपने कमरे तक की सेवा दी। केताजी महाराज आज दीक्षा देंगे, दो महीने के बाद देंगे, ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। गुरुजी भी धड़ाधड़ थे और चेला जी भी पक्का, चेला जावे नहीं और गुरुजी दीक्षा देवे नहीं। एक दिन गुरु ने देखा कि अब देखें। केताजी महाराज ने कहा कि देख जरा, मटका उठा, तालाब से पानी भर ला। वो जमाने में नल बल नहीं थे, पुरानी बात है। मटका भर के आया। केताजी महाराज ने कहा कि कौन से तालाब का पानी ना? बोले फलाने का। छी, उसमें तो भैंसे भी बैठती है। मारी छड़ी, मटका फोड़ दिया। सुबह सुबह पोस मास ठंडी, सूरज उगा नहीं और चेला तो वैसे ही ठुठर रहा है और मटके में मारी छड़ी तो पूरा मटका। बेवकूफ कहेगा। वो दूसरे तालाब का लिया गया, दूसरे तालाब का ले आया। अरे दूसरे तालाब का लाया, लेकिन तालाब के बीच से लाया कि किनारे किनारे। अब केताजी महाराज समझते तालाब के बीच जाएगा तो डूब मरेगा, किनारे से ही भरना होता है। अरे बोल गुरु जी, मैं तो किनारे किनारे से लाके दात तेरे की मार दी छड़ी, वो छोड़ा भीग गया। ऐसे 6 बार मटका फोड़ दिया। ठंड में छोड़ा, लेकिन गुरु का द्वार छोड़े नहीं। बोले अब जा, चला जा तू अपने घर, जाके काम धंधा करो, इन बाबाओं के पीछे क्या लगे। लेकिन जाते जाते एक मटका तो पानी तो दे जा गुरु को। एक मटका पकड़ा दिया, तालाब किनारे गया, मटका रख के बैठ गया। बोले अब जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा, अरे भागी जाओ। थी पासपोर्ट का जमाना तो था नहीं, किसी की श्रद्धा तोड़ने से अपना पुण्य नाश हो जाता है, एकदम तेजी से पतन होता है। हम जो गुरु को नहीं मानता, मेरे गुरु से नहीं निभाया तो मेरे से क्या निभा लेगा? जो मेरे गुरु का नहीं रहा तो वो मेरा क्या रहेगा? जो अपना कल्याण करने में समर्थ नहीं, फुसकी हो गया और गुरु की कृपा पचाई नहीं, तो जो अपना भला नहीं कर सकता और गुरु का नहीं रह सकता, तो ऐसा बगेड़ू मेरा क्या भला कर लेगा? हम ऐसों से फिर नहीं मिलते थे। हमें तो गुरु का, गुरु भले हम भले, जो भाग जाते वो समझो पत्ते झड़ गए, गए गटर में। हम उनकी कीमत नहीं रखते थे, इसीलिए हम बचे।
उल्टी करके फिर उसको देखो या चाटो। हाय मैंने तो रबड़ी पूरी रसगुल्ले खाए थे, बहुत बड़ा 200 रुपए की डिनर खाई थी, ये उल्टी हो गई तो क्या उधर बैठता है चाटता है क्या उसको? एक बार उल्टी करती तो बस, ऐसे एक बार संसार से इधर हो गए तो फिर उधर चाटने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर चस्का लग जाता है उल्टी चाटने का। हाँ आजकल तो छूट छाट है ना, नहीं तो पहले के जमाने में एक बार ईश्वर के रास्ते चले फिर 84 कोस तक अपने घर परिवार के 84 कोस तक का पानी नहीं पिए तो रहे क्या? आज तो मोबाइल हो गए, केम छे फलानी केम छे ढींगनी, तो जाओ चढ़ो पड़ो इतने लांबू थाई छे। तो केताजी महाराज का चेला मटका रख के बैठ गया क्या? अब तो गुरु जी साथ में मटके को भी मारेंगे डंडा, अब शरीर में तो ताकत भी नहीं, अब मैं भाग जाऊं क्या करूं। धीरे से उठा गुरु खेला के करके चलने लगा, तुम मटके से गए भी आवाज आया के कहां जाता है, देखा कि कौन है, मटके में सवा जा रहा है। देखा कि मेरे मन का भ्रम होगा, महाराज जी तो आश्रम में, केताजी महाराज तो केता कुटीर में, थोड़ा चला कह रहे कुटीर में क्या हूं यहां सुनता नहीं। फिर योग शक्ति कहो, ईश्वर की लीला कहो, वो मटका अपनी गाथा गाने लग गया। कह रहे मैं कुहाड़ियों से कुदाड़ी और फावड़ियों से मिट्टी के ढेर में से कटा, फिर कुम्हार ने मुझ में पानी डाला मुझे रोंदा, फिर हाथों के थप्पे 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 आगे पीछे हाथ रख के मार मार के मेरे को घड़ा बनाया, फिर घुमावा घुमावा डाल के और मेरे को कसा, और फिर कुल्हाल पे घुमाते घुमाते फिर धूप में सुखाया, और उसके बाद मुझे भट्टी में डाल दिया और पकाया। इतना इतना सहा फिर भी मैं डटा रहा, तो आज तुम्हारे जैसे भक्त के सिर पर बैठने का अवसर आ रहा, तू जा रहा है। केताजी महाराज का चेला बोले क्या है? अरे बोले तेरे पुण्याई है इसलिए घड़े के रूप से भगवान तेरे को प्रेरणा दे रहा है। गुरु महाराज की सत्ता कहो, गुरु महाराज का चेतन कहो, तेरे को प्रेरणा दे रहे, उठा मटका भाग, कायर क्यों बनता है? मटका उठाया जाए गुरु महाराज, गुरु महाराज के पास पड़े, अरे क्यों रे लाया कि हाँ गुरु जी लाए। चौतरा था तो घर भाग रहा था क्या? बोले हाँ गुरु जी। फिर क्या हुआ कि गुरु जी मटके में से ऐसी सेवा है? बोले भगवान कैसे समर्थ है, जड़ में से भी ध्वनि कर सकते हैं, चेतन में से भी कर सकते हैं, कैसे रक्षक पोषक है, सर्वन्यता कैसा, तेरे को चेला क्या बनाऊं, तू कौन है जरा सोच, चेला क्यों बनना चाहता है, कौन गुरु कौन चेला, चला चली का मेला, गुरु जी के सामने देख रहा है, गुरु चेले जी के सामने देख रहा है, गुरु ने अपनी ब्राह्मी स्थिति का स्पूर्ण कर दिया, चेला सीधा गुरु बन गया, चेला बना ही नहीं। केताजी महाराज ने चेला ही नहीं बनाया, उसको सीधा गुरु बना दिया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे को भी कोई चेला मिला कि विधि विधान नहीं, बस आज्ञा कर दिया, हम रहे उसमें इसी तरह। गुरु बना दिया अर्थात वो अंतरात्मा का सुख दे दिया, आपको भी तो गुरु बना रहे हैं हम सीधा, कहां कान भूखते और कहां चेला की नहीं आपसे सेवा लेते हैं, सीधे गुरु ही तो बना रहे हैं, आप भी जाते तो अपने इलाके में तो गुरु बन जाते हो। अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों में तो गुरु बन ही जाते हो।
सुविधाओं के लिए नहीं जन्मे और सुविधाओं के दास नहीं है, आप भगवान के अमृत पुत्र हैं, हर हाल में मस्त रहने की क्षमता वाले हैं।